हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम ग्रिजेश कुमार विद न्यू वीडियो बेस्ड ऑन टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो, सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हेयर क्वेश्चन नंबर 41 इज गिवन। टिमिड डिनोट्स, यहाँ पर मित्रों आपको टिमिड की मीनिंग बतानी है। तो यहाँ पर टिमिड की जो मीनिंग है वो दी गई है शाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, शाई मीन्स होता है शर्मीला। शाई मीन्स शर्मीला होता है। तो यहाँ पर टिमिड की मीनिंग शर्मीला या फिर डरपोक भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज टू बॉर्न डिनोट्स। यहाँ इज टू बॉर्न की मीनिंग आपको बतानी है। तो 42 का सही आंसर यहाँ पे दिया गया है ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी इसको हिंदी में कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज गिवन हेयर। यस 43 प्रोवोकेटिव, यहाँ भी आपको मीनिंग ही बतानी है प्रोवोकेटिव की। तो 43 का सही आंसर यहाँ पे दिया गया है इन्फ्यूरिएटिंग। इन्फ्यूरिएटिंग का मतलब होता है इरीटेट करना या गुस्से में करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 के लिए डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे 44 दिया गया है डोमिनेट। डोमिनेट के लिए अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पे 44 का जो अपोजिट वर्ड दिया गया है वो है सरेंडर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 45 स्क्वेंडर, इसकी अपोजिट आपको बतानी है। 45 के लिए यहाँ पर इसका अपोजिट दिया गया है होल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है, इसको आपको जो है सुटेबल प्रीपोजिशन से भरना है। सेंटेंस है द आई एम एंड ऑब्जेक्ट डैश दियर स्कीम इज नॉट क्लियर। तो 46 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिया गया है वो बी है, यहाँ पर ऑफ भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 द डिक्शनरी डैश इन लैंग्वेज डिस्क्राइब्स यूजेस। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है खाली स्थान में। तो 47 का यहाँ पे सही आंसर दिया गया है बी, यहाँ पर भी ऑफ भर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 द शो बिगेन डैश 5 o'clock, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको भरना है। 48 का जो सही आंसर है वो है एट, यहाँ पर भर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 49 द न्यू साइंस टीचर कमांडेड ए ग्रेट रेस्पेक्ट डैश हिज स्टूडेंट्स। 49 के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म भर देंगे, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म यहाँ पर सही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 50 इज हिज जीनियस हेल्प्ड हिज राइज टू सो हाई डैश लाइव। यहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन भरना है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है इन, यहाँ पर इन भर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेयर डी। क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवन इन ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 51 वेदर इट वर बैलेंसिंग द बजट और द डे टू डे मेन्यू ग्रैंडमा वाज द एक्सपर्ट। यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है इसके लिए एक विकल्प चुनना है। तो 51 का यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है वाज बैलेंसिंग, यहाँ पर हो जाएगा ग्रामर से ही। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन करेक्शन द प्रोसेस ऑफ डिकोनिलेशन हु स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन इंडिपेंडेंस एरा रिमेंस अनफिनिश्ड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 decades। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में दिया गया इसके लिए आपको विकल्प बताना है कि विकल्प कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 52 का सही ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 53 चाइनीज कपल्स वर मैरिड एट अ सेरेमनी इन कोलंबो टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। तो 53 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वह है बी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज गिवन हियर। यस इफ ऑल ऑफ अस हैड बीन फिलोसॉफिकल थिंकर्स वी वुड नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाई स्कीमिंग पॉलिटिशियंस ऑल दीज ईयर्स। 54 का सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है डी, हैडबीन हो जाएगा। हैडबीन ये सही भी है, अपनी जगह पर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर डॉक्ट्राइन ऑफन आर्ग्यू राइटली दैट इंडिया मस्ट बी मोर फोर्थ राइट एंड आर्टिकुलेट इन एक्सप्रेशन इट्स पोजीशन ऑन इशू। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है इसके लिए आपको ऑप्शन बताना है। 55 का यहाँ पर सही ऑप्शन ए है, एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 टू 60 के लिए
यहाँ पर जो है एक डायरेक्शन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है, इसको आप केयरफुली पढ़ लें और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो ये पैसेज है, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसकी पॉज करके। यस क्वेश्चन आर गिवन हेयर। यस पैसेज थोड़ा लंबा है, ऐसे पैसेज को पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है। हेयर क्वेश्चन नंबर 56, टू व्हाट डज द ऑथर अट्रीब्यूट द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू परचेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स। इसका आंसर आपको करना है। 56 का यहाँ पर सही आंसर दिया गया है, द रियलाइजेशन दैट कंज्यूमर्स ग्रीड कॉज्ड इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 2009। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपको बतानी है, पैसेज की सेंट्रल आइडिया क्या है। 57 के लिए जो सही आंसर दिया गया है यहाँ पे है, एथिकल कंज्यूमरिज्म इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज सोसाइटी एज अ होल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज गिवन हेयर, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे द थ्रू द फ्रेज कंपनीज आर रेसिंग टू आउटग्रीन ईच अदर। यहाँ पर ये जो बोल्ड लेटर्स में है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहता है ऑथर। 58 का यहाँ पर जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन ए में है, द कंपटीशन एमंग कंपनीज टू बूस्ट दियर बॉटम लाइन प्रॉफिट प्लेनेट एंड पीपल इज वेरी स्टिफ। क्वेश्चन नंबर 59, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज लेड टू कॉरपोरेशंस एडॉप्टिंग मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। 59 के लिए सही आंसर यहाँ पर दिया गया है, रिकॉग्निशन ऑफ द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द ऑथर्स व्यू अबाउट कंपनीज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ CSR इनिशिएटिव्स। यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एज नाइदर कंज्यूमर्स नॉर कंपनीज बोदर टू डिटरमाइन दियर वैलिडिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 62, 61 to 65 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। मीन्स आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है, पेन स्टेकिंग यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम क्या होगा 61 के लिए, यहाँ पर होगा थोरफ एंड रिगोरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, सब्सटेंशियल की मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है, तो 62 का यहाँ पर जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स यदि आप इसकी मीनिंग चाहते हैं तो मैं मीनिंग बताता जाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा जो है नाइट का समय हो गया है, तो मैं आपको ऐसे ही बताता चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, इंडोलेंट की मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है 63 के लिए, तो यहाँ पर लेजी होगा, आलसी। क्वेश्चन नंबर 64, वेहेमेंटली की मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है, तो इसकी 64 की जो मीनिंग होगी यहाँ पर दी गई है, फोर्सफुली यानी बलपूर्वक, वेहेमेंटली का मतलब होता है। 65 यहाँ पर दी गया है, एकॉम्प्लिस की मीनिंग आपको यहाँ पर बतानी है कि एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है। 65 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अचीव यानी कि संग्रह करना या प्राप्त करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 66 इज गिवन हेयर, विच इज बेस्ड ऑन लिटरेचर, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। वीनस और एडोनिस जो कि शेक्सपियर की रचना है, ये कितने स्टैंजा में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है 6 लाइंस। यहाँ पर स्टैंजा पूछा गया है, लाइन बताई गई है, थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड है, यहाँ पर लाइन पूछना चाहिए, तो 6 लाइन की है ये। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 67, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये बात किसने कही है, ये आपको बताना है, किस लेखक ने कही है। 67 के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, विलियम ब्लेक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 68, इन द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ्स चाइल्डहुड रिमिनिशंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव। यहाँ पर खालिस्तान में आपको ऑप्शन से भरना है। 68 के लिए यहाँ पर हो जाएगा कम्बरलैंड, कम्बरलैंड से रिलेटेड करते थे, इनका नेटिव था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 69, द लिटिल मैन रिटन बाय गॉल्सवर्थी इज। गॉल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया द लिटिल मैन इनमें से क्या है, ऑप्शन में से आपको बताना है, तो 69 के यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वन एक्ट प्ले है ये, गॉल्सवर्थी जी ने वन एक्ट प्ले लिखा है। क्वेश्चन नंबर 70 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आइडेंटिफाई
फालस्टाफ्स वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट वन, इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, नाउ हाल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेट, ये क्वेश्चन पूछा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें, और कोई कमी लगती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको लाभ मिलता है इस वीडियो से कुछ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।